आज की तारीख है 17/9/22 और आज की ज्ञान मुदिल का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूएबल है। तुम्हें इसी जन्म में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है, इसलिए इतना हो सके बाप को याद करो। प्रश्न है, किस एक बात में खबरदार न रहने से सारा रजिस्टर खराब हो जाता है? उत्तर है, अगर किसी को भी दुख दिया तो दुख देने से रजिस्टर खराब हो जाता है। इस बात में बड़ी खबरदारी चाहिए। दूसरे को भी दुख देना माना स्वयं को दुखी करना। जब बाप किसी को दुख नहीं देते तो बच्चों को बाप समान बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेने के लिए एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख न दो। गृहस्थ व्यवहार में बहुत मीठा व्यवहार करो। गीत बजा है, तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक है, सच्चा प्यार एक बाप से ही रखना है, बाकी सब से नष्ट मोहा बनना है। मुख से व कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। रजिस्टर सदा ठीक रखना है। नंबर दो, सर्विस में कभी थकना नहीं है, अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना है और घर घर में रूहानी हॉस्पिटल खोल सबको याद की दवाई देनी है। किसकी याद की? परमपिता परमात्मा शिव बाबा की। वरदान सतगुरु का प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रह प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाओ मुक्त भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि प्रवृत्ति में रहते ये लक्ष्य रखो कि सेवा स्थान पर हम सेवा के लिए हैं, जहां भी रहते वहां का वातावरण सेवा स्थान जैसा हो। प्रवृत्ति का अर्थ है परवृत्ति में रहने वाले, अर्थात मेरापन नहीं, बाप का है तो परवृत्ति है। अगर बुद्धि में ये आया कि ये सब बाप का है मेरा कुछ भी नहीं, तो आप परवृत्ति में हैं। कोई भी आए तो अनुभव करो। क्या अनुभव करेंगे? कि ये न्यारे और प्रभु के प्यारे हैं। किसके लिए अनुभव करें? बाहर वाले हमारे लिए ये अनुभव करें। किसी में भी लगाव न हो, वातावरण भी लौकिक नहीं अलौकिक हो, कहना और करना समान हो, तब नंबर वन मिलेगा। स्लोगन है, सदा खजानों से संपन्न यानी भरपूर और संतुष्ट रहो तो परिस्थिति आएगी बदल जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को।
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को या प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।